ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वम गुरु परम। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज का जो दिन है, संकल्प लेने का दिन है। जीवन निरंतर मौत की ओर जा रही है, रुकती नहीं है, अचानक होना है, अचानक। लेकिन हम संकल्प ले करके अच्छे जीवन जीने की ही संकल्प लें। क्या तुम्हें पता है, शरीर छूटेगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? जैसे आशा वैसे बासा, आशा उसी प्रकार से बासा भी होता है। ध्यान रखें हम सब। एक उदाहरण के माध्यम से हम जानें। यहां पर कुछ लोग आते हैं, रोज के आते हैं, दो चार लोग। उसमें से एक सज्जन ने पूछा, शरीर छूटेगा जीव कहां जाएगा? मैंने कहा, जैसे आप अपने घर से छोड़ करके निकले, कोई आदमी आपके घर में आपसे मिलने के लिए गए, पूछा कहाँ गया है घर मालिक, तो लोग कहेंगे उसके आशा कहाँ है, बासा कहाँ है? जहाँ आशा वहाँ बासा। वो सत्संगी है, सत्संग में गया होगा, आश्रम में, यही बताएगा। कोई आदमी है दारू पीने वाला है, उससे मिलने के लिए कोई गया होगा, पूछेगा कहाँ गए घर मालिक, वो दरवा है, कहीं पी करके बैठा होगा, झुमा होगा, दरवे लोगों के साथ में है, भट्टी की तरफ गया। कोई गांजा पीता है तो कहाँ गया है, गंजड़ियों के पास ही मिलेगा और दूसरे जगह। फिर पूछेगा कोई दूसरे चौथा आदमी को कहाँ गया है, उनके घर में पूछ रहा है, लोग कहेगा वो जुआड़ी है, पक्का जुआड़ी है। गांव में अमुक जगह ताश होता है, जुआ होता है, वहीं बैठा हो। आदमी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, जहां आशा वहां बासा। वैसे ही हमारी जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा, छोड़ना पक्का है। तो जीव आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो मरता नहीं है, जीव है वो, शरीर मरता है, और जीव अमर आत्मा है। जब तक संसार चक्र में भटकेगा, तौलों तारा जगमगे,
जौलो उगे न सूर तौलो जीव कर्मवश डोले जौलो ज्ञान न पूर। जीव कर्मवश डोलेगा भटकेगा संसार में, जैसे बताया जैसे जैसे कर्म किया, कर्म ही इंसान के अच्छी बुरी पहचान है। अच्छी बुरी का पहचान कर्म ही होता है। कहाँ गया है बता देगा। ऐसे ही ये जीव है, अमर आत्मा है, वो मरता नहीं, अमर है। और वो ये शरीर छोड़ेगा तो जैसे आज का संस्कार है उसी प्रकार से परिवार और समाज में जाकर के शरीर धारण करेगा। संस्कार बना लो, एक बार अवसर मिला है अच्छे जीवन जीने का संस्कार, अवसर एक बार मिला है। हमारा जीवन कैसा है, राग में है कि वैराग में है? एक महात्मा कहते हैं आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, बहुत मोही है, उसका निश्चित ही ऐसे खाने में जाएगा जैसे कुत्ता है, अति क्रोधी है। क्रोध के कारण से कहां कहां नहीं भटकता है। बंदर है, मोही है, अपने मरे हुए बच्चे को भी पेट में चिपकाए रहता है, छोड़ता नहीं। लोभी, मोही, रागी, द्वेषी, संस्कार है। मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करेगा, जैसे जैसे अतिक्रमण करेगा, श्रृंगार प्रधान है तो निश्चित ही तितली, हिरण आदि के शरीर, मोर का शरीर धारण करेगा। ऐसे महात्मा लोग चिंतन करते हैं। और जो आदमी शतगुणी सात्विक शील स्वभाव का धारण करता है, जैसे एक उदाहरण, ये शरीर है ना, पांच तत्वों का है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, पांच तत्व माना गया है। लेकिन क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है। इस शरीर पांच तत्वों का, और वो पांच तत्वों के लिए पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा पंच विषयों का रस स्वादन करता है, पंच विषयों का रस स्वादन करता है। और कोई अति, कोई आंख का रूप का विषय, कोई शब्द विषय का, इसलिए कहा गया है स्पर्श विषय में पढ़कर देखो हस्ते मारा जाता है, मानुष के हाथों में पढ़कर निदभाला डंडा खाता है। देखो रस में पढ़कर मछली केचुआ युद्ध बंसी खाती है, बंसी मुख में चुभ जाती है, आरत होकर बिल लाती है। निदान वह मारी जाती है, निदान वह बारी जाती है, जलत जलत सलद सलभ समुदाय, पतिंगा है अग्नि में मारा जाता है, हिरण है शब्द विषय में मारा जाता है, भौरा है गंध विषय में मारा जाता है। एक एक विषय, और लेकिन मनुष्य है ये पांचों विषय का अतिक्रमण, जिन जिन विषय का, तो वो विषय हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है। कैसा हो आदमी,
रूप विषय का, रस विषय का, गंध विषय का, शब्द विषय का, स्पर्श विषय का, किन किन के विषयों में अतिक्रमण करता है उसी अनुसार से वो अगला जीवन पाएगा। लेकिन आत्मा है शरीर में, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, वही सत्य आत्मा है। उसका भी पांच तत्व है, उसका भी पांच तत्व है आत्मा का। केवल शरीर का पांच तत्व मिट्टी पानी आग हवा से बना है ये शरीर, लेकिन आत्मा, अमर आत्मा का भी पांच तत्व है। सदगुरु श्री काशी साहेब ने, श्री राम रहस्य साहेब ने पंचग्रंथि में कहा है, दया क्षमा सत धीर विचारा, पांच तत्व हंसा के सारा। दया करना, क्षमा करना, सत्य मार्ग तन मन वचन में से सत्य अपने जीवन में धारण करना, क्षमा कर देना, दया क्षमा सत्य धीर धैर्यवान रहना और विचारशील रहना, ये पांच लक्षण आत्मा का है। जो आत्मा अनुरागी होगा, जैसे आप सब आए हैं, आत्मा अनुरागी है, आत्मा का प्रेमी है, मेरी आत्मा को कैसे मैं भवबंधन से बचाऊं, कैसे भी भवबंधन से बचाऊं, तो उसके लिए अपनी आत्मा पर दया करो, अपनी आत्मा पर मूल दया जो आप संभारे, अपने आत्मा पर दया करो। और दया करो, जैसे ये चित्र है, ये जो चित्र है काशीराम जी का, काशीराम जी का नया पर आया था, उस समय यहाँ नहीं आया था, वो यहाँ आकर के 2 साल रहे। उन्होंने कहा, साहब जी मुझे जाना है। क्यों इतना जल्दी? उन्होंने कहा, मैं गौ सेवा करता हूँ, गौ पालन है उसका बहुत सारा, 300-400 गायें थी, भैंस थी, और गौठान भी था उनका, गौ सेवा करना है, गौ माता की सेवा। वो नहीं जानता था सबसे बड़ी सेवा गौ माता का ही होता है। मैंने कहा, आप आमने सामने बैठा था, काशीराम जी गौ माता की सेवा एक अनाड़ी बिल्कुल निपढ़ा भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, वो भी गौ माता की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन आप इतने बड़े बुद्धिमान, पढ़े लिखे, गौ माता की सेवा के पीछे लगे, इस समझ में नहीं आता है। आप नर माता की सेवा कर दीजिए, नर माता की एक बार नर माता की सेवा कर दीजिए, ओ अपलक पलक बांध मारना बंद हो गया उनका, अब बिल्कुल एक टक देखने लगे, मुझे लगता था मुझे घूर करके खा जाएगा। इतने में उनकी आंखों से आंसू आया और कहा कि इसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझाने की कोशिश करें। मैंने कहा कि काशीराम जी, ये शरीर है, ये शरीर वर्तमान शरीर जिस जननी ने जन्म दिया है, जननी ने जन्म दिया है, यदि मेरी आत्मा उस माँ के उस जननी के गर्भ में नहीं गया होता, तो प्रसव का पीड़ा उस जननी के मेरे कारण से ना हुआ होता, मेरे कारण से, मेरी आत्मा के कारण से नहीं हुआ होता। गर्भ कितना कष्ट हुआ होगा उस जननी को, हम चिंतन करें, संत जन चिंतन करता है,
शोध करता है तब वैराग्य धारण करता है, सारे राग को छोड़ देता है। उस माँ को कितना पीड़ा नहीं हुई होगी, यहां तक कि प्रसव का दिन आता है, कितने माँ का मौत भी हो जाता है। हमारे आश्रम में, नयपर आश्रम यहां नहीं आया था उस समय, मैं एक संत थे बुढ़ानपुर आश्रम से, उसका नाम विवेक साहेब था। उन्होंने कहा, दो साल पहले आकर के मुझसे कहा, मैं उनके बच्चे की तरह था उस समय। उन्होंने कहा कि आपसे मेरा एक निवेदन है। क्या बात साहब, ये निवेदन क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका बच्चा की तरह हूं। उन्होंने कहा, ये शरीर अब आखिरी है, ये शरीर आखिरी है, पता नहीं कब छूट जाए, लेकिन शरीर को सेवा की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। उस समय उसका उम्र मेरा ही उम्र का था, 73 साल 72 साल का, और 2 साल के बाद 74 साल में उनका शरीर छूटा। सेवा की जरूरत है, लेकिन पूर्ण मुझे विश्वास आपके ऊपर है, आप मुझे रक्षा कर दीजिए, ना मुझे कोई आश्रम में ना कोई संत में, आपका पर ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है, आप आइए। आ गए, रहने लगे, रहने लगे। उनको बरसात के दिन था, दस्त होने लगा, पतला दस्त, और कभी कभी उनके पास जाता, साहब जी कैसे है, उन्होंने कहा नरक हो गया, मल मूत्र बिस्तर में कर दिया, मच्छरदानी भी गंदा हो जाता, बिस्तर भी सारे कपड़ा को लपेट करके बाथरूम में ले जाता, जो कपड़ा धोने लायक होता धो देता, और जो कपड़ा फेंकने लायक होता गाड़ देता, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती रखे। उस समय हम आंखों से देखा, एक जननी प्रसव का दिन उसका आया था, और जीप में कुछ लोग उसके रिश्तेदार परिवार के लोग लेकर के आए थे, उसको उठा करके ले जाना पड़ा डॉक्टर के नर्सिंग होम में। वहां के डॉक्टर नर्स देखे उनके स्थिति को, कहे कि हमारे यहां नहीं संभलेगा, आप शीघ्र ले जाइए रायपुर में। सभी के आंखों में आंसू बहने लगा, और आंसू बहाते हुए लगा, क्या मेरे आत्मा शरीर धारण के लिए ऐसे जननी के गर्भ में नहीं गया होगा, ऐसे जननी को पीड़ा नहीं दियो होगा। काशीराम जी एक बार जननी का सेवा कर दें, नर माता की सेवा कर दें, हम ऐसे दया का पालन करें, क्षमा का पालन करें, सत्य मार्ग में अटूट लग जाएं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ऊपर उड़ जाएं, मुक्त हो जाएं, आज ही मुक्त, अभी तो हमें, हमारी आत्मा मुक्त हो गई तो कहीं जाना नहीं होगा। अमर आत्मा, जैसे इतना लोग आए हैं, करीब 100 लोग आए हैं, इतने लोग एक एक करके सब भोजन करेंगे और अपना अपना चले जाएगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा ठिकाना कहाँ है, ना मुझे कहीं जाना है, दरवाजा से भी नहीं जाना है, मुझे यही है, मेरा यही है निवास। ऐसे ही अपने चित्त वृत्ति को अपने में लौटा लो, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं, मोह में नहीं, राग में नहीं, द्वेष में नहीं, कौन तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है, चिंतन करो, अपने में चित्त को जोड़ ले। एक बार अवसर मिला है, न कोई तुम्हारा न तुम हो किसी के, ये 2 दिन का जीवन वो 2 दिन का मेला, न कोई तुम्हारा न तुम हो किसी के, ये 2 दिन का जीवन वो 2 दिन का मेला,
सोच लो कौन किसका है, कोई तुम्हारा नहीं ना तुम किसी के हो। एक काशीराम जी 2 साल पहले जब आखिरी आया उनका, उन्होंने कहा कि मेरा 11-10 को जन्म दिवस है, 11-10 को जन्म दिवस है, आप आ जाइए इसी तारीख में, और मुझे अंतिम जो कपड़ा पहनाया जाता है कफन, उसे पहना दीजिए, अब ये शरीर नहीं रहेगा। गया 5 दिन के बाद गया, 17 तारीख को उसके शरीर में कपड़ा लपेट दिया। 2 दिन के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा, नाती से कहा, बेटा सबसे बैठा कहा, इस संतों के शरण को कभी छोड़ना नहीं, एक बार अवसर मिला है, मैं अपने जीवन में क्या नहीं किया, लेकिन संतों को शरण पा करके मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। और 2 दिन के बाद वो फिर शरीर को त्याग भी दिया, त्याग दिया। वो अमर आत्मा चित्त को अपने में जोड़ लिया। आप सब भी चित्त को जोड़ो, ये शरीर 5 तत्वों का है, 5 विषयों में ना भटके, अमर आत्मा में चित्त को जोड़े। 2 तत्वों का संबंध है शरीर, शरीर जड़ चेतन 2 वस्तु है, अति प्रसिद्ध जग माए, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत ना है। जड़ और चेतन 2 वस्तु है, जड़ इस शरीर और चेतन दोनों के संबंध काल को जीवन कहा जाता है, और दोनों के संबंध छूट गया तो शरीर जड़ हो गया, राम नाम सत्य है, ले जाएगा मरघट में, और अमर आत्मा अपने में डूब जाएगा। ये मुक्त दशा का, नहीं डूब पाया तो अमर आत्मा निकलेगा, पहले निकल जाएगा, और जैसे जहां आशा है वहां मां बाप के गर्भ में चले जाएगा। मनुष्यता का कर्म किया है।